हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। और फ्रेंड्स, जैसे कि अभी गर्मियों की सीज़न स्टार्ट हो चुकी है, तो गर्मियों की सीज़न में एक बहुत ही बड़ा कॉमन प्रॉब्लम एक प्लांट के पीछे बहुत ही कॉमन प्लांट है, और वो प्लांट के पीछे बहुत सारे व्यूअर्स की क्वेरीज आती है। वैसे तो ये प्लांट के ऊपर फ्रेंड्स ऑलरेडी मेरी वीडियो बन चुकी है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स मार्बल क्वीन से रिलेटेड बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं। फ्रेंड्स, तो मार्बल क्वीन के बारे में फ्रेंड्स आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ और आपको शेयर करूँगा कि किस हिसाब से मैंने अपने मार्बल क्वीन को ग्रो किया है। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है वो इसके लीव्स। इसके लीव्स में सबसे पहली अच्छी चीज़ आपको देखने को ये मिलेगी फ्रेंड्स कि इसके लीव्स बड़ी साइज़ के होंगे, यानी कि जैसे कि देख रहे हैं मेरे पूरे हाथ के साइज़ के इसके लीव्स हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, इसके लीव्स बड़े साइज़ की हो गए। सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, इसके लीव्स के जो कलर्स हैं ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स इसकी बहुत ही अच्छी ब्यूटी आती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ये प्लांट को बुशी बनाना चाहते हो, कुछ ये हिसाब से खूबसूरत बनाना चाहते हो, तो बाद में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं ये प्लांट की थोड़ी केयर आपको बता देता हूं, क्योंकि गर्मियों की सीज़न में मनी प्लांट की केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गर्मियों की सीज़न में थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो बाद में ये गर्मियों की सीज़न में ग्रो नहीं हो पाएंगे। वैसे तो फ्रेंड्स ये गर्मियों की सीज़न में बहुत ही अच्छे ग्रो होते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स हमें ध्यान देनी होगी ये प्लांट को सही से आगे ग्रोथ करने के लिए, और उसके लिए सबसे पहली नेसेसिटी प्लांट की होती है, वो है वाटरिंग। फ्रेंड्स, वाटरिंग ये प्लांट को बहुत ही अच्छी चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स जब भी आप इसके अंदर वाटरिंग करते हो तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इसकी सॉइल कभी भी मॉइस्ट या तो वेट नहीं होनी चाहिए। इसकी सॉइल जब बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो तभी आप पानी दीजिए, मे बी 2-3 दिन का अंतर रखिए पानी देने में। जब तक इसकी सॉइल कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाती तब तक हमें फ्रेंड्स ये प्लांट के अंदर वाटरिंग नहीं करनी है। बहुत सारे लोग फ्रेंड्स डेली वाटरिंग करते हैं, तो ये प्लांट को डेली वाटरिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। ये प्लांट को फ्रेंड्स ओकेजनली वाटरिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि 2 दिन या तो 1 दिन, या तो डिपेंड करता है आपके प्लांट की सॉइल के ऊपर, क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। अगर आपने प्लांट की सॉइल बहुत ही ज़्यादा सैंडी बनाई हो तो मे बी फ्रेंड्स 1-2 दिन के गैप में आपको इसको वाटरिंग करनी होगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इसकी सॉइल बहुत ही ज़्यादा क्ले वाली सॉइल हो, मडी सॉइल हो, तो बाद में आप इसकी सॉइल के अंदर वाटरिंग आप 2-3 दिन के गैप में कर सकते हैं। या तो आप प्लांट की सॉइल एक बार चेक कर लीजिए, अगर प्लांट की सॉइल बहुत ही ज़्यादा हार्ड और ड्राई हो तभी फ्रेंड्स हमें ये प्लांट के अंदर वाटरिंग करनी है, उससे पहले वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वाटरिंग का सबसे बड़ा रोल होता है फ्रेंड्स, और जब भी आप इसके अंदर वाटरिंग करते हो फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छी वाटरिंग करिए, डीप वाटरिंग करिए। और शावर से अगर आप पानी देते हो कि प्लांट को पूरा नहलाना है, शावर से अगर आप पानी दोगे तो बाद में सारे लीव्स साफ हो जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स इसकी जो कोयर स्टिक है, कोयर स्टिक के ऊपर भी पानी गिरेगा। कोयर स्टिक ये प्लांट की जितनी मॉइस्ट रहेगी ये प्लांट की ग्रोथ उतनी ही अच्छी रहेगी। ये एक चीज़ आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये प्लांट की कोयर स्टिक अगर आप मॉइस्ट रखोगे तो बाद में ये प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो प्लांट होता है उसके हर एक नोड एरिया से रूट्स निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक नोड एरिया है, यहाँ पे रूट निकले हुआ है, जैसे कि देख रहे हैं। तो ये जो रूट है फ्रेंड्स वहाँ पे ही अट्रैक्ट होता है जहाँ पे मॉइस्चर रहता है। और अगर फ्रेंड्स ये कोयर स्टिक अगर मॉइस्ट रहेगी तो बाद में रूट्स अंदर चले जाएंगे कोयर स्टिक के अंदर, जहाँ से वो मॉइस्चर को खींचते रहेंगे। और अल्टीमेटली फ्रेंड्स आपके जो प्लांट के लीव्स की साइज़ है वो बड़ी होंगी, प्लांट के लीव्स के कलर्स भी अच्छे आएंगे। तो ये एक चीज़ नोट करिए, भले आप सॉइल के अंदर इतना वाटरिंग मत करिए, लेकिन फ्रेंड्स इसकी जो कोयर स्टिक है, कोयर स्टिक के ऊपर शावरिंग कर लीजिए, या तो स्प्रे के थ्रू आप पानी स्प्रे कर सकते हैं कोयर स्टिक के ऊपर, जिसकी वजह से फ्रेंड्स ये प्लांट के लीव्स अच्छे खासे ग्रोथ करेंगे। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, ये प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सिंपल तरीके से ये प्लांट को ग्रो कर लोगे तो ये ग्रो होता रहेगा। अगर आप इसको फर्टिलाइज नहीं भी करोगे तो भी ये प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ये प्लांट की लीव्स के ऊपर शाइनिंग लाना चाहते हो, इसकी लीव्स की ग्रोथ अच्छी लाना चाहते हो, थोड़े से इसके लीव्स आप थिकर, यानी कि थोड़े से मोटे आप इसके लीव्स लाना चाहते हो, तो बाद में थोड़े बहुत फर्टिलाइज़र हमें अप्लाई करने होते हैं। तो फर्टिलाइज़र में फ्रेंड्स बेसिकली हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही इसके अंदर अप्लाई करना है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप काउडंग लिक्विड, वर्मी कॉम्पोस्ट लिक्विड, ये दोनों फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे हैं। दोनों में से कोई भी एक फर्टिलाइज़र आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप लिक्विड फॉर्म में नहीं करते तो बाद में आप कॉम्पोस्ट फॉर्म में कीजिए। तो कॉम्पोस्ट में फ्रेंड्स आप आधी मुट्ठी जितना कॉम्पोस्ट आप अपनी प्लांट की सॉइल के ऊपर डाल दीजिए और अच्छी तरह वाटरिंग कर लीजिए। ये जो चीज़ है फ्रेंड्स ये आपको महीने में सिर्फ एक ही बार करना है, उससे ज़्यादा फ्रेंड्स हमें कॉम्पोस्ट भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हो तो डाइल्यूट करके आप इसकी सॉइल के अंदर वीकली बेसिस पे लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकते हो। तो डाइल्यूशन रेशियो 1 लीटर जितना काउडंग लेना है उसको 10 लीटर नॉर्मल पानी के अंदर डाइल्यूट कर लेना है, और बाद में वीकली बेसिस पे फ्रेंड्स हमें इसकी सॉइल के अंदर डालते रहना है।
काउडंग में बेसिकली फ्रेंड्स नाइट्रोजन होता है, और ये प्लांट की सबसे पहली नीड होती है फ्रेंड्स, वो है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन ये प्लांट को सही ढंग से मिलता रहेगा तो बाद में लीव्स ग्रीन निकलेंगे। एक कॉमन इश्यू फ्रेंड्स बहुत सारे व्यूअर्स को ये आ जाती है मनी प्लांट में कि उनके लीव्स येलो हो जाते हैं और बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये एक नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपके जो प्लांट के लीव्स हैं वो ग्रोथ करना बंद कर लेंगे, थोड़े से छोटे रह जाएंगे। दूसरी चीज़, थोड़े से धीरे धीरे करके येलो होंगे और उसके जो टिप्स रहते हैं वो बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो एक नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है। तो अगर आपके प्लांट के अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होगी तो बाद में आपके प्लांट्स के लीव्स ग्रीन नहीं निकलेंगे और बड़ी साइज के भी नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए हमें नाइट्रोजन ऑर्गेनिकली देना है, तो नाइट्रोजन के लिए वर्मी कॉम्पोस्ट और काउडंग कॉम्पोस्ट बहुत ही एसेंशियल है और बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशंस हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अब फ्रेंड्स, ये प्लांट की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है? तो ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए फ्रेंड्स हम सीवीट फर्टिलाइज़र स्प्रे कर सकते हैं। सीवीट फर्टिलाइज़र आराम से आपको फर्टिलाइज़र की शॉप में मिल जाएगा या तो नर्सरीज में भी मिल जाएगा। तो सीवीट फर्टिलाइज़र आप 3 ml जितना लीजिए, 1 liter पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और ये प्लांट के लीव्स के ऊपर, लीव्स के नीचे और कोयर स्टिक के ऊपर ज़रूर स्प्रे करिए। इससे फ्रेंड्स ये प्लांट के लीव्स डेवलप होंगे, प्लांट के रूट सिस्टम डेवलप होंगे, ये जितने भी नोड एरियाज़ हैं वहाँ से सारे रूट्स डेवलप होंगे और ये प्लांट पूरा बुशी बनता जाएगा। अब फ्रेंड्स, जैसे ही ये प्लांट बुशी बनेगा वैसे इसके ऊपर बहुत सारी नई नई बेलें निकलना स्टार्ट होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपने दिमाग लगाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसे ही फ्रेंड्स ये प्लांट बड़ा होता है इसकी बहुत सारी बेल निकलना स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये प्लांट को कहाँ पे और कैसी शेप देना चाहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल मैंने ये प्लांट की हाइट सिर्फ इतनी ही रखी है, वैसे अगर मैं ये प्लांट को लंबा करने जाता तो बहुत ही लंबा हो जाता, लेकिन फ्रेंड्स मैं हमेशा ये प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग करता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसकी बेल को कट कर लिया है। जैसे ही फ्रेंड्स इसकी बेल लंबी होती है तो बाद में मैं इसकी बेल को कट कर लेता हूँ। ये प्लांट को फ्रेंड्स मैं मेंटेन रखता हूँ, इसकी बेल को ज़्यादा लंबा नहीं करता, जिसकी वजह से ये प्लांट एक कॉम्पैक्ट साइज़ का लगता है और बुशी लगता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये होगा कि जितने भी नीचे वाले नोड एरियाज़ हैं उसके ऊपर न्यूट्रिशंस का स्टोरेज रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके जो पत्ते की साइज़ है वो बहुत ही बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक आप चीज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, अगर आपने मनी प्लांट, ये मार्बल क्वीन मनी प्लांट को पॉट के अंदर ग्रो किया है तो ये हिसाब से फ्रेंड्स अगर आप इसकी साइज़ को मेंटेन करोगे, आपके ऊपर है फ्रेंड्स कि आप इसकी हाइट को कितना मेंटेन करना चाहते हो, 4 feet, 5 feet, 6 feet, 60 feet, वो एक पर्टिकुलर हाइट पे आप लाके प्लांट को मेंटेन करते रहोगे तो बाद में जितने भी नीचे वाले नोड एरियाज़ हैं वहाँ से फ्रेंड्स सारे न्यूट्रिशंस प्लांट के लीव्स को मिलते रहेंगे और आपके जो प्लांट के लीव्स हैं वो बड़ी साइज़ के होंगे और कलरफुल होंगे और ब्राइट होंगे और इसके जो लीव्स के कलर्स भी बहुत ही अच्छे निकल के आएंगे। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हमें ये मनी प्लांट को मेंटेन करना है ताकि आपके जो मनी प्लांट है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर सके ये समर सीज़न में। और इतनी बेसिक चीज़ों का ध्यान देना है फ्रेंड्स। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, फंगीसाइड का भी स्प्रे ज़रूर करिए प्लांट के ऊपर, क्योंकि फंगस लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे ही फ्रेंड्स आप शावरिंग करोगे, ये प्लांट के लीव्स के ऊपर मिस्टिंग करोगे, कोयर स्टिक के ऊपर मिस्टिंग करोगे, तो बाद में प्लांट के ऊपर फंगस लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करिए। फंगीसाइड आप हर 10 दिन में या तो 12 दिन में या तो हफ्ते में एक बार कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी हमें फ्रीक्वेंटली नहीं करना है, लेकिन फंगीसाइड का स्प्रे रेगुलर इंटरवल पे करते रहिए, जिसकी वजह से ये प्लांट के ऊपर फंगस नहीं लगेगा। फंगस के निशानियाँ कुछ ये हिसाब की होती है, जैसे कि ये जो देख रहे हैं कुछ ये हिसाब की आपको फंगस की निशानियाँ देखने को मिल जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप फंगीसाइड का एप्लीकेशन करोगे तो बाद में आपके सारे प्लांट्स के लीव्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। जितने भी नए लीव्स होंगे उसकी जो हेल्थ होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, ग्रीन निकल के आएंगे और बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। दूसरे पेस्ट फ्रेंड्स ये प्लांट के ऊपर लग सकते हैं, वो है पत्ते खाने वाले कीड़े। पत्ते खाने वाले कीड़े फ्रेंड्स पत्तों को खाते रहते हैं, जिसकी वजह से पत्तों के ऊपर होल पड़ जाते हैं जो ये प्लांट की ब्यूटी को ख़राब करते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें ये प्लांट के ऊपर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है। तो कोई भी इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल या तो केमिकल इंसेक्टिसाइड जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो हमें स्प्रे करना है। तो इंसेक्टिसाइड एंड फंगीसाइड ये दोनों का एप्लीकेशन ये प्लांट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आपका ये जो मनी प्लांट है ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। इसके जो लीव्स के कलर्स होंगे, लीव्स के कलर्स भी बहुत ही सुंदर निखर के आएंगे और आपका प्लांट अल्टीमेटली बहुत ही अच्छा ग्रो होके निकलेगा। तो ये कुछ फ्रेंड्स बेसिक टिप्स है ये मनी प्लांट को ग्रो करने के ऊपर। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये प्लांट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।